वेलकम टू श्री जी कंप्यूटर्स। आज हम एचपी का वायरलेस प्रिंटर 416, एचपी इंक टैंक वायरलेस 416 प्रिंटर कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो प्रिंटर है, ये कलर एंड ब्लैक एंड वाइट इंकजेट प्रिंटर है, जो प्रिंटर के साथ प्रिंटर का डेटा केबल, पावर केबल और इंक के चार इंक बॉटल का सेट दे रहा है कंपनी। और इसके साथ कंपनी कोई सीडी या कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो हम डाउनलोड करेंगे एचपी का प्रिंटर। तो सबसे पहले मैंने गूगल खोल दिया है। गूगल में एचपी 416 प्रिंटर ड्राइवर लिख के मैंने एंटर दबा दिया। जैसे एंटर प्रेस किया, सबसे पहला लिंक आ गया मेरे पास support.hp से। ये कंपनी का लिंक है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर आ गया डिटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपना है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देगा। अगर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 64 बिट नहीं है तो चूज डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज या एंड्रॉयड या वॉट एवर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अपना तो विंडोज 10 64 बिट है तो बराबर है, उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा नीचे आ गए हम, यहाँ पर इसमें सॉफ्टवेयर यूटिलिटी में चले गए। यहाँ पर सॉफ्टवेयर यूटिलिटी में गए, इसमें एचपी इंक टैंक वायरलेस 410 सीरीज फुल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, उस पर डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने। जैसे ही डाउनलोड करते हैं, ऑटोमेटिकली एक लिंक यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, फुल वेब पैक 4.45.4.2608 ये डाउनलोड हो रहा है। मित्रों, ये जो प्रिंटर है ये वायरलेस प्रिंटर है, और ये प्रिंटर में मेन बेनिफिट दूसरा वो भी है कि ये प्रिंटर अपने मोबाइल से भी या तो लैपटॉप से भी, वाईफाई से भी प्रिंट निकाल सकते हैं, वो ये जोरदार बेनिफिट है। ठीक है, मोबाइल से प्रिंट निकालने के लिए हमें जो एप्लीकेशन चाहिए वो है प्ले स्टोर में जाके एचपी प्रिंटर सर्विस प्लगइन, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके हम इंस्टॉल ये प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये अपना सेटअप डाउनलोड हो गया है, इस पर मैंने क्लिक किया है। ये फर्स्ट टाइम हमें पूछेगा कि ये आपने पीसी में इंस्टॉल करना है या नहीं करना है, तो परमिशन हम देंगे यस नो में। ये शुरू हो गया है, देखो ये सबसे पहले एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ये परमिशन पूछ रहा है तो मैंने यस किया है, आ गया लोडिंग, मैंने कंटिन्यू कर दिया है, लेट स्टार्ट, नेक्स्ट कर दिया, एग्रीमेंट में आई हैव रिव्यूड कर दिया, एक्सेप्ट किया। द प्रिंटर कनेक्टेड टू, प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए ऐसा बता रहा है, नेक्स्ट कर दिया मैंने यस, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, ये हो गया प्रिंटर इंस्टॉल होना। ठीक है, ये प्रिंटर सीधा इंस्टॉल हो जाएगा। ये स्क्रीन पर देख रहे हैं हम, शॉप फॉर सप्लाईज एचपी का दूसरा भी आ गया है आइकॉन। एचपी के दो तीन आइकॉन आ गए हैं, मतलब 10 of 10 सब कुछ इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अभी अगर प्रिंटर लगाया हुआ है तो सीधा ही प्रिंटर निकल जाएगा। प्रिंट देने के बाद ऑटोमेटिक सेटअप पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट कर दिया। ये नेटवर्क चेक, मतलब नेटवर्क में अगर प्रिंटर लगाया हुआ है तो वाईफाई से हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकता है, या तो यूएसबी केबल लगा के भी सीधा कनेक्ट करेंगे तो भी सीधा हो जाएगा। अभी ऐसा पूछ रहा है कि वायरलेस में कहीं प्रिंटर दिख नहीं रहा है, मतलब अगर यूएसबी केबल लगा दिए हैं तो सीधा प्रिंट निकल, मतलब प्रिंट इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर और कुछ सेटिंग में जाना है तो हम यहाँ पर स्टार्ट में जाके कंट्रोल पैनल में जाके कंट्रोल पैनल में से डिवाइसेस एंड प्रिंटर में जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमें जो भी प्रिंटर है वो सब दिखेंगे। ठीक है, उसमें भी कुछ सेटिंग में जाना है तो जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।